वेलकम टू माई चैनल एल एस फूड्स। तो अर्ज़ किया है, बारिश के मौसम में लोग खाते हैं पकौड़े और स्नैक्स। हम आज बनाएंगे बहुत मज़ेदार और यूनिक पोटैटो स्नैक्स। दोस्तों, क्योंकि पोटैटोज़ हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो क्यों ना कुछ उससे मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स बनाए जाएं। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स बनने वाले हैं और सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। रुको दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है घी, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं, और अजवाइन 1/2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, 3 कप मैंने लिया है मैदा, उसको मैंने अच्छे से छान लिया है, नीम गर्म पानी 1 ग्लास। अजवाइन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वो हाजमे के लिए हम अजवाइन का यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को हाजमे का मसला हो जाता है तो हम अजवाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अब हम इसमें घी को ऐड कर देंगे और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने पानी का कम यूज़ करना है, अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा जो मैदे का आटा है वो पतला हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसकी धुलाई करनी है। और हमने इसके ऊपर घी जो है वो स्प्रेड कर देना है। 15 से 20 मिनट के लिए हमने डो को रखना है। अब हमें चाहिए कुछ मसाला, सारे जो मसालाज हैं वो मैंने यूज़ किए हैं 1/2 टेबल स्पून। सबसे पहले लिया है नमक, अजवाइन, ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब लिए मैंने 1/2 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने 2 चुटकी, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून कटा हुआ, और ग्रीन चिलीज वो भी कटी हुई। फिर लिया है मैंने धनिया कटा हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट आलू, उनको हमने बॉयल करके उनके छिलके उतार लिए। अब हमने आलू को अच्छे से मैश करना है हाथ की मदद से। हाथ से आलू जो है वो अच्छे से मैश हो जाते हैं, ये हमारा देसी टोटका है। अब हमने एक पैन में ऑयल ऐड करना है, और उसमें हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को डाल देंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ठीक है, वरना ये जल जाएगा। अब हमने इसमें सारे मसाला जो हैं उनको ऐड कर देना है और इनकी बुनाई करनी है। इसके बाद हम इसमें, जब मसाला पकने लग जाए तो हम इसमें पोटैटोस को ऐड कर देंगे, और एंड पे हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मसाला बनाते हैं बुनाई करके, इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। हमारा जो मैदा था इसको हमने रेस्ट के लिए रखा था, अब हम इसको यूज़ करेंगे। इसकी हमने रोटी बना लेनी है बेलने की मदद से। इसको हमने अच्छे से चारों साइड से पतला कर लेना है। अब हमने इसके ऊपर हमारा जो मसाला है, मटेरियल है, उसकी हमने लेयर बनानी है, पतली लेयर बनानी है, मोटी नहीं बनानी, वरना हमारी जो रोटी है वो टूट जाएगी। अब हमने इसको अच्छे से राउंड करना है, गोल 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 अच्छे से, ठीक है। और हमने इसको छुरी की मदद से, नाइफ की मदद से कट कर लेना है। वो पार्ट जो है वो मुझसे स्किप हो गया था, सॉरी, लेकिन ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा स्पेस रख के कट कर लेना है। तो देखिए, हमारे जो सारे स्नैक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमने मैदा लिए, उसमें हमने पानी ऐड किया है और इसका मिक्सचर बना लिया है। अब हम इसमें डिप करके ऑयल में ऐड कर देंगे, इससे हमारा जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलता और ऑयल जो है वो मटेरियल के अंदर नहीं जाता, वरना हमारा जो मटेरियल है अंदर पोटैटोज़ का वो सारा ब्लैक हो जाएगा। तो हमारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी हो रहे हैं, इनको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो माशाल्लाह हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत प्यारा कलर है इनका और बहुत क्रिस्पी भी बने हैं।
बहुत मज़ेदार क्रिस्पी झटपट बनने वाले ये स्नैक्स आप लोग को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेशन में अपना फ़ीडबैक लाजमी दें, अपने घर वालों को खिलाएं, उनको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।